वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। और आज का टॉपिक जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है। और मुझे जब भी मैं शॉपिंग के लिए जाती हूँ ना बाहर, तो सबसे पहले जब मैं किड्स वेयर, बच्चों के कपड़े देखती हूँ, तो मेरा इतना होता है कि मेरे नेफ्यूज नीसेस इन सब के लिए, और स्पेशली जब लड़कियों की बात आती है तो मेरे ख्याल से बच्चियों के कपड़े जितने प्यारे हो सकते हैं, हम भी कोई वो कपड़े नहीं पहनते। आज जब हम ना खवातीन के फैशन की बात करेंगे, ना मर्द हजरात के फैशन की बात करेंगे, बल्कि आज हम बच्चों के फैशन की बात करेंगे। स्पेशली जो लड़कियाँ होती हैं, बच्चियाँ होती हैं छोटी, उनके लिए किस तरह के कपड़े होने चाहिए। और आज हमारे पास जो डिज़ाइनर मौजूद हैं, रानिया इनका नाम है, इनके ब्रांड का नाम है निकी बाय रानिया, और ये अपनी कलेक्शन के साथ आई हैं। किड्स फैशन को ये डील करती हैं। वेलकम टू द शो रानिया, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू। अच्छा रानिया, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी आपने बच्चों का जो डिजाइनिंग करने का इंतखाब क्यों किया, वरना अमूमन आजकल तो खवातीन और मर्द हजरात की कलेक्शन ही चल रही होती है। मेरी एक छोटी बहन है, शी बहुत बड़ा हमारे बीच में डिफरेंस है, वो मुझसे कोई 16-17 ईयर्स छोटी है। तो मैं जब पढ़ रही थी तो मैं इसके लिए सारी शॉपिंग वैसे बाहर से करके आया करती थी। तो एक दफ़ा ईद पे मुझे पाकिस्तान में इसके लिए कुछ लेने पड़ा और मुश्किल हो गई थी काफ़ी। तो फैशन डिज़ाइन तो मैं पढ़ ही रही थी ऑब्वियसली, और प्रोग्राम मेरा यही था कि मैंने वुमेंस वेयर करना है सब कुछ। लेकिन जब वो दिन आया था कि मुझे इसके लिए कुछ मिल नहीं रहा था, मैंने कहा बस इस मैंने अब किड्स वेयर ही करना है, क्योंकि बच्चों के लिए इतना ज़्यादा नहीं है अभी इतना पाकिस्तान, बहुत कम ब्रांड्स हैं। और जिस किस्म के कपड़े मैं उसको ड्रेसअप करना चाहती थी, मेरा जो एक आइडिया था वो मुझे अभी नहीं मिल रहा था पाकिस्तान में। तो मैंने कहा कि आई थिंक लोकली कुछ ऐसा प्रोड्यूस होना चाहिए। अच्छा रानिया, आपने फैशन डिजाइनिंग कहाँ से की? मैंने लंदन से फैशन डिजाइन की है। अच्छा, तो फैशन डिजाइन तो पता नहीं, आई थिंक जैसे हर वक्त एक ट्रेंड होता है ना कि अब एक साल में सब लोग ये बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर। तो आई थिंक उस जमाने में सब बस फैशन डिजाइनर बन रहे थे। तो बस मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैंने भी डिजाइनर बनना है। तो लेकिन किड्स वेयर की लाइन में फिर मैं बाद में आई जी। अच्छा, तो अभी आप ऑनलाइन कर रही हो, कितने अरसे से आप बच्चों के फैशन के बारे में? जी मैं भी ऑनलाइन कर रही हूँ, 2.5 इयर्स ऑलमोस्ट हो गए। तो बट लाइक अच्छा रिस्पांस मिला है काफी, तो इंशाल्लाह इन द कमिंग मंथ अब लाहौर में पहली आउटलेट खोल रहे हैं। अच्छा लवली, तो उसके लिए क्या प्रिपरेशंस हो रही हैं, कलेक्शन कोई प्रॉपर लॉन्चिंग? बिल्कुल जी, आजकल कहते हैं स्प्रिंग समर से हम लॉन्च करने वाले हैं, स्प्रिंग सीजन के कलेक्शन से लॉन्च करेंगे। और उसकी अब यही प्रिपरेशन हो रही है कि शॉप का भी आउटलुक ऐसा हो कि यू नो इट्स डिफरेंट हो, बच्चों के लिए वो हो अट्रैक्टिव हो के वो वहाँ पर आना चाहें और सब कुछ। और इसी तरीके से हो कि मतलब आउटफिट्स जिस तरीके से अभी मेरे डिफाइंड हैं कि एक अलग नीश को वो करते हैं, और इस किस्म के आउटफिट्स अभी ज़रा कम है मार्केट में। तो यही ट्रेंड चलेगा आगे भी, तो अभी इसकी प्रिपरेशन यही जा रही है कि इसको लेकर आगे चलेंगे। अच्छा जी रानिया, तो हमारे साथ मौजूद हैं, अगर आप बच्चों के हवाले से कोई फैशन की एडवाइस चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर होगा, रानिया से आप बात भी कर सकते हैं, हमसे डिस्कस भी कर सकते हैं। रानिया, बच्चों के लिए कपड़े डिज़ाइन करना इट्स अ रियली टफ जॉब, मुझे लगता है खवातीन या मर्दों के लिए डिज़ाइन करना इज टोटली डिफरेंट। बच्चे के लिए कलर्स, फिर उसके फ्रिल्स, क्योंकि फ्रॉक्स में सारा कुछ वही होता है, कट्स उससे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। आई थिंक ये आपकी पैशन की बात होती है प्रॉब्ली, क्योंकि मुझे कभी कभार ऐसा लगता है कि मेरे लिए वुमेंस वेयर डिज़ाइन करना इज़ मोर डिफ़िकल्ट। बच्चे मुझे कहते हैं हमेशा से बहुत ज़्यादा पसंद हैं, और खासकर गर्ल्स, तो एक बस वो होता है कि आई नेवर हैड एनी इशू कि मैं इनके लिए डिज़ाइन करूँ क्या। बस मेरे दिमाग में आ जाता है कि बस ऐसे मैंने देखना है बच्चे को ड्रेसअप हुए हुए, और मेरे तो अब जितने मॉडल्स हैं वही मेरे म्यूज बन चुके हैं। ओके, तो मेरे दिमाग में बस होता है कि अच्छा इस बच्चे के ऊपर मुझे क्या अच्छा लगता है, तो मैंने ऐसे उसके लिए ड्रेस बनाना है। हाँ, कलर्स वगैरह में यू हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि एक थिन बॉर्डर लाइन आ जाता है, और आजकल जो ट्रेंड आ चुका हुआ है किड्स वेयर और वुमेंस वेयर में भी एक बहुत वो हो चुका हुआ है कि अब बच्चे भी मिनी मॉडल्स बन चुके हुए हैं, यू नो कि कहते जो बड़े लोग पहन रहे हैं उसी की थोड़ी कॉपी वो उस तरह की पहन रहे हैं। तो उसमें हाँ थोड़ा आपको केयरफुल होना पड़ता है कि उसको किस तरीके से आपने बैलेंस करना है कि वो फिर भी चाइल्डिश ही लगे, बच्चा उसमें वो ना लग रहा हो, क्योंकि बच्चे को उसकी लुक के अकॉर्डिंगली सेट करना, यानी कि वो बच्चा ही लगे, वो मैच्योर ना लगे। बिल्कुल, बस यही बात है कि डिजाइन ऐसे ही करो कि बस इनोसेंस बच्चे की उसमें रहे ड्रेस में। तो बाकी तो कहते हैं बहुत हमें डिजाइन वर्ल्ड से काफी वो मिल गई हुई है, यू नो अवेयरनेस मिल गई है, और जिस तरीके से ट्रेंड्स वगैरह जा रहे हैं अब कहते हैं पाकिस्तान में भी लोगों को जरा वो हो गया हुआ है कि किस तरीके से वो बच्चों को ड्रेसअप करना चाहते हैं स्टफ। तो मतलब थोड़ा सा यू नो लोग ओपन हो गए आइडियाज को, लोगों को अब अवेयरनेस भी आ गई, सेंस भी आ गई, फैशन सेंस भी बेहतर हो गई। अच्छा हमारे साथ एक कॉलर है लाइवा, अस्सलाम वालेकुम। हेलो
हेलो लाइबा, आपको आवाज आ रही है? जी मुझे आ रही है आपकी आवाज। जी लाइबा, क्या कहना चाहेंगी? जी मुझे ये कहना है कि मेरी भतीजी का बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं, थीम बर्थडे। ठीक है, तो उसके लिए मुझे कस्टमाइज ड्रेस चाहिए, तो ये बनवा देंगी कस्टमाइज ड्रेस? ठीक हो गया, कस्टमाइज ड्रेसेस के हवाले से आपको बताते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग लाइबा। रानिया, कस्टमाइजेशन के साथ आप ऑनलाइन अपना काम कर रही हो? कस्टमाइजेशन हम से बर्थडे आउटफिट्स के लिए करते हैं जो थीम के अकॉर्डिंगली होते हैं, क्योंकि ज्यादातर अब कस्टमाइज करने के लिए लोग जो मुझे डिफरेंट पिक्चर्स वगैरह भेज देते हैं, आई डोंट बिलीव इन कॉपिंग एनीवनस वर्क। बिल्कुल भी मैं उसमें बिलीव नहीं करती, लेकिन अगर किसी ने कह दिया कि अच्छा मेरी थीम क्या है, ये वाली प्रिंसेस है या फिर यू नो एनीथिंग, जैसे आजकल एक पिछला ईयर वाज फुल ऑफ यूनिकॉर्न्स, हर कोई बस फ्रोजन यूनिकॉर्न, तो उस तरीके से कस्टमाइज कर लेते हैं, तो डेफिनेटली इफ शी वांट्स टू गेट अ कस्टमाइज्ड ड्रेस। रानिया, आपके ब्रांड का नाम है, फेसबुक पेज आप इनका जरूर देख लीजिएगा, उस पे आपको आइडियाज भी मिल जाएंगे, और मैंने अभी तक नहीं देखा, मैं भी देखूंगी, मुझे भी घर पर जरूरत पड़ती रहती है। अच्छा जनाब, मैं आपसे रानिया मजीद ये जानूंगी, आप चूंकि लंदन से पढ़ के आए हो, वहाँ पर फैशन जो बहुत डिफरेंट है, वहाँ पर लिटरली जब मैं छोटी थी मुझे याद है कि मेरे कपड़े हमेशा मेरी खाला या कोई कजिन भेजती होती थी, क्योंकि वहाँ पर इस तरह के कैच वेयर में भी बहुत वैरायटी है। यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, इस तरह की कितनी लोगों में सेंस है या लोगों में कितनी वैरायटी के हवाले से अवेयरनेस आई है? मेरा यही एम था बेसिकली कि जो, क्योंकि मैं भी वहीं से अपनी बहन के लिए शॉपिंग करती थी, तो मैं वही चाहती थी कि वही क्वालिटी में उसी काइंड ऑफ लेवल पे पाकिस्तान में लोकली प्रोड्यूस हो, क्योंकि ऑब्वियसली जिनको यहाँ पर भी सेंस है, और अब तो मैंने ऑब्वियसली 2 ईयर्स में ये चीज़ देखी है कि काफ़ी लोग अब चेंज हो गए हैं, बहुत अब इस तरीके से लोगों को सेंस हो गया कि बच्चों को भी मैंने बहुत अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि अब मैं अगर ये बात कहूँगी तो मेरी अम्मी सोचेंगी कि इसको देखो फिर ये क्या करेगी, लाइक यू नो मैं अभी कभी पुरानी पिक्चर्स देखती हूँ, आई एम लाइक अम्मी मुझे आपने किसके कपड़े आए, ये तो हर बच्चा सवाल करता है अपने अम्मा बस कैसे तैयार किया था मुझे। तो अब जो है ना इस तरीके से हो गया कि नहीं, मदर्स आर वेरी मच वो इंटरेस्टेड कि मेरा बच्चा अच्छे तरीके से तैयार हो, और अब तो प्रॉपर बच्चियों के लिए स्पेसिफिकली मेरे ख्याल से ज्यादा ऑप्शंस भी होती है एज कम्पेयर टू बेबी बॉयज, आपको उनके लिए बहुत ज्यादा बस लिमिटेड सी पैंट्स ले ली, निकल ले ली, शर्ट ले ली, जैकेट ले ली, दैट्स इट। बच्चियों में तो बहुत सारी वैरायटी, बच्चियों में तो बहुत वैरायटी हो गई है, तो अब मेरे ब्रांड का बेसिकली अब एम भी यही है कि इंटरनेशनल क्वालिटी को स्टैंडर्ड मेंटेन करके लोकली उसको वो करें, मैन्युफैक्चर, बिकॉज ऑब्वियसली अगर हमारे कंट्री में बहुत पोटेंशियल है, और बाहर भी कपड़े सारे पाकिस्तान वगैरह में ही बन के जाते हैं, ट्रस्ट मी, और वहाँ पे सारे हैंग ओवर भी मेड इन पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान, अच्छी जीन्स वहाँ से मेड इन पाकिस्तान की मिलती है, सो दैट्स व्हाई आई बिलीव के अपने ही कंट्री के पोटेंशियल को यूज करके लोकली प्रोड्यूस एंड लोकली कपड़े आप खरीदो, तो उसी लेवल पे अगर मिल रहे हो तो अपने उसको वो करो। बिल्कुल। अच्छा जनाब, पलवशा है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आज मुझे लग रहा है मैं, हेलो, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपको आवाज आ रही है? जी मुझे आ रही है। जी पलवशा बताएं। मैं रानिया से जानना चाह रही थी कि आजकल बेबी गर्ल्स और बेबी बॉयज के लिए कौन सी थीम जो है वो ज्यादा इन है, क्योंकि हम अपनी भतीजी के लिए एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान करना चाह रहे थे। ठीक है, ठीक है पलवशा, अभी आपको आइडिया देते हैं, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। रानिया, थीम्स कैसे हैं? आप बेबी बॉयज की भी डिजाइन करते हो? बेबी बॉयज को हम अभी डिजाइन नहीं करते, सिर्फ अभी गर्ल्स को ही करते हैं, लेकिन गर्ल्स में मैंने अभी जैसे बताया यूनिकॉर्न इस वक्त बहुत ज्यादा पॉपुलर है, सब लोग यूनिकॉर्न कर रहे हैं, आई थिंक इट्स वेरी क्यूट टू। यूनिकॉर्न एक ऐसा थीम है कि जिसमें बॉयज एंड गर्ल्स दोनों का हो सकता है, बिकॉज वही यू नो गर्ल्स के लिए यूनिकॉर्न हो जाता है, एंड देन क्लाउड्स एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, स्टार्स एंड स्टफ लाइक दैट, इस तरीके से बॉयज के लिए भी काफी हो जाता है। बॉस बेबी मूवी आई थी, तो आई हैव सीन अ लॉट ऑफ बॉस बेबी गोइंग ऑन फॉर बॉयज, तो या बट आई थिंक फॉर गर्ल्स अभी तक तो यूनिकॉर्न ही। बच्चों के लिए भी डेफिनेटली चार्म होना हर चीज में बहुत जरूरी है, लड़कियों को तो पता होता है कि हमने इस तरह से जैसा फोन है तो हमने फ्रोजन वाली अगर बैंड पहनना है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, बेबी बॉयज के लिए भी इस तरह की होती है, उनको बस एक दो करेक्टर्स, बैटमैन, बॉयज के लिए तो बस आई थिंक कोई भी गाड़ी रिलेटेड चीज हो या कोई भी सुपर हीरो, हाँ सुपर हीरो, सुपर हीरो तो बस उनके लिए वो चीज, दे लव इट, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा रानिया, समटाइम्स आपको आइडियाज के लिए बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स को भी देखना पड़ता होगा, अब क्या लगता है बच्चों की इंटरनेशनल भी ब्रांड्स के हवाले से, उनकी डिजाइनिंग के हवाले से इतना तवज्जो दी जाती है एज कम्पेयर टू अगर हम खवातीन और मर्दों की बात करें? बच्चों के लिए बाहर तो इंटरनेशनली बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है उनका, तो जैसे कि हमारे तो अब इमर्ज होना शुरू हुआ है किड्स के ऊपर थोड़ा सा फोकस, वहां पर तो इट्स बीन क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत साल हो चुके हुए हैं
कि जैसे वुमेन्स वेयर है उस तरीके से मेन्स वेयर एंड नाउ किड्स वेयर टू, एक जिस तरीके जो प्रोसेस है वुमेन्स वेयर और मेन्स वेयर को बनाने का उसी तरीके से किड्स वेयर पे भी फोकस किया जाता है, ऐसी ट्रेंड रिसर्च होती है सब कुछ. लेकिन बाहर इतना ज़्यादा मतलब ऑब्वियसली इंटरनेशनल ट्रेंड्स हमें देखने पड़ते हैं क्योंकि आपको उस तरीके से ही डिज़ाइन करना पड़ता है, लेकिन किसी और के काम को इतना नहीं देखती क्योंकि जो भी है इट्स अ ह्यूमन माइंड, आपके दिमाग में चीज़ रह जाती है तो अवॉइड करती हूँ कि जरा यू नो कि ओरिजिनल रहे काम. रानी मैं जानना चाहूँगी चूँकि आपने चूँकि फैशन डिज़ाइन तो ख़वातीन और उसके हिसाब से पढ़ रहे थे तो बच्चों के लिए तो वही आपके माइंड में चीज़ें आती हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि जो फैशन हम डेली बेसिस पे देखते हैं किड्स फैशन इतना इमर्ज नहीं किया हमारे अभी उसमें, तो हम ज़्यादातर तो उसमें क्या कभी कभी टच भी होता है समटाइम्स, बहुत सारे कपड़ों में हमें बड़ों के लिए एक एलिमेंट भी नज़र आता है. अगर ईस्टर्न में देखा जाए तो ईस्टर्न में हाँ हो सकता है क्योंकि उसमें हमारा क्योंकि कल्चर ही एक तरीके से ऐसा है कि वो बच्चों को भी इस तरीके से ड्रेसअप करना चाहते हैं. और दूसरा आजकल एक ये भी वो आ चुका हुआ है कि मॉमी एंड मी स्टाइल, जैसे माँ कहती है मैंने जैसे पहना है उस तरीके से बच्चे को ही पहना दो, उसको मैं ज़रा सा अवॉइड कराना वो करती हूँ कि मुझे नहीं इस तरीके से वो होता है. क्योंकि कुछ लोग कहते हैं मैंने मैरून पहना हुआ है मेरे बच्चे को, तो आई एडवाइस देम के नो A kid's innocence is in softer colors. आप उसको मत इस कलर के कपड़े वगैरह पहनवाओ. तो लेकिन हाँ, लेकिन when it comes to frocks और dresses वगैरह जो मेरा basically वो है तो उसमें तो आई डोंट थिंक कि कुछ भी वुमेन वाला टच आता है. जी अच्छा, रानिया की कलेक्शन भी हम देखेंगे, रानिया अपने साथ कलेक्शन भी लाई है, मुझे अभी से देख के इतनी एक्साइटमेंट और मजा आ रहा है देख के. हम आपको ब्रेक के बाद आपको भी कलेक्शन दिखाएंगे, आप देखते रहिए जागो लाहौर.